प्रिय दर्शकों नमस्कार। 24 जून 2023 इस दिन भूमंडल पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का छठा दिन है, यानी कि माँ कात्यायनी का गुप्त नवरात्रा है और ऊपर से इस दिन शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन माँ कात्यायनी का नवरात्रा आना अपने आप में एक अद्भुत संयोग बन जाता है। यदि इस अद्भुत संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है और ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है बच्चों के पास समय नहीं होता है उपाय करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। रिश्ते तो आएंगे लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, एक भी रिश्ता आपके लेवल का नहीं आएगा और जो भी रिश्ता आपके लेवल का आएगा वो पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। यदि इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चली हुई हैं तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ बस इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है और उसी तरीके से कर देना है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हम इसी प्रकार की नई वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आपने 24 जून 2023 शनिवार के दिन करना है। इस दिन आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का छठा दिन है, यानी कि मां कात्यायनी का नवरात्रा इसी दिन है। मां कात्यायनी की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। तो प्रिय दर्शकों आपके पास ये सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को आपने ऐसे ही नहीं गंवाना है, ये उपाय आपने जरूर करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको जान लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने 24 जून को किस समय करना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। सामग्री क्या होनी चाहिए इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास बताशे होने चाहिए, कितने बताशे, जिस भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतने ही बताशे आपके पास होने चाहिए। सपोज कीजिए जो आपका बच्चा है वो 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है तो फिर 26 बताशे आपके पास होने चाहिए। सपोज कीजिए जो आपका बच्चा है वो 30 साल का हो चुका है
और 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर 31 पता से आपके होने चाहिए। यानी कि जिस उम्र में वर्तमान समय में आपका बच्चा चला हुआ है उतने ही बता से आपके पास होने चाहिए। ये बता से क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, इसको देख लीजिए और इनकी पहचान कर लीजिए। और क्या चाहिए आपके पास, लौंग होनी चाहिए। कितनी लौंग होनी चाहिए, आपके बच्चों की उम्र के आधार पर लौंग होनी चाहिए। यानी कि जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतनी ही लौंग होनी चाहिए। यानी कि जितने बतासे आप लेंगे उतनी ही आपने लौंग लेनी है। बस ध्यान एक बात का रखना है, जो भी बतासे आप लोगे ना वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, टूटे फूटे बतासे नहीं होने चाहिए, और जो लौंग लोगे वो भी बिल्कुल साफ सुथरी साबुत लौंग होनी चाहिए। और क्या चाहिए, थोड़ा सा शहद आपके पास होना चाहिए। इन तीन चीजों की विशेष रूप से ये उपाय करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। 24 जून को आपने सुबह जल्दी उठना है। यदि सुबह आप ये उपाय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके ये उपाय कर दीजिए। और यदि शाम के समय आप ये उपाय करना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा। जब भी आप ये उपाय करें उससे पहले आपको नहाना पड़ेगा, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर ही आपने ये उपाय करना है। सपोज कीजिए कि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े धारण करके आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर चले जाना है और एक चौकी लगानी है। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपने बिछा देना है। एक स्टील की थाली आप ले लीजिए, वो स्टील की थाली उस चौकी के सामने रख लीजिए। अब ये जो चौकी आपने लगाई है, इस चौकी पर आप माता रानी का कोई भी फोटो रख लीजिए, कोई भी तस्वीर रख लीजिए। यदि माँ कात्यायनी की तस्वीर आपके घर में उपलब्ध है तो वो रख लीजिए, नहीं तो फिर माता रानी की कोई भी तस्वीर इस चौकी पर रख लीजिए और इस तस्वीर के सामने एक स्टील की थाली आप रख लीजिए। अब बैठ जाइए, बैठ करके सबसे पहले आपने एक बतासा उठाना है, एक बतासा उठा करके और एक लौंग उठानी है। अब इस लौंग को शहद में डुबोना है, लौंग को शहद में डुबोना है और उस पतासे के ऊपर रख देना है। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये पतासा है, ये लौंग आपने ली, इस लौंग को शहद में डुबोया और इस पतासे के ऊपर रख दिया और एक मंत्र बोल दिया। कौन सा मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः, मैंने मंत्र लिखकर भी आपके सामने दर्शाया है, तो इस मंत्र को आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो एक पतासा उठाया, लौंग शहद में डुबोई, पतासे के ऊपर रखी, ये मंत्र बोला और इस पतासे को उस थाली में रख दिया माता रानी की तस्वीर के सामने। इसी प्रकार से दूसरा पतासा उठाया, एक लौंग उठाई, लौंग को शहद में डुबोया और पतासे के ऊपर रखा और ये मंत्र बोला। कौन सा मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः, और इस पतासे को उस थाली में रख दिया। इस प्रकार से आपने एक एक पतासा उठाना है, एक एक लौंग उठानी है, शहद में डुबोना है और पतासे के ऊपर रखनी है और प्रत्येक बार इस मंत्र को एक बार बोलना है। तो इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए इस क्रिया से सारे पतासे और लौंग शहद लगा लगा कर आपने थाली में रख देने हैं। इसके बाद आपने हाथ जोड़ करके माँ कात्यायनी से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। माँ कात्यायनी का एक मंत्र है, उस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाव से इस मंत्र का भी उच्चारण आप एक से दो बार कर सकते हैं और उस अपनी मनोकामना का चिंतन आपने करना है। माँ कात्यायनी की जो पूजा होती है विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ही की जाती है, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। तो इस प्रकार से आपने अपनी मनोकामना का चिंतन करना है और माता रानी को अपने भाव से आपने रिझाना है। आपने इतना सा कर दिया, उसके बाद यदि ये उपाय आपने सुबह के समय किया है तो फिर आप दोपहर के बाद ये पतासे उठाएंगे और ये पतासे उठा करके कहाँ पर लेके जाने हैं, जहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, काले रंग की छोटी छोटी चींटियां होती हैं, मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया है, तो इन चींटियों के रास्ते में आपने इन पतासों को लौंगों को रख देना है ताकि ये इनको खा सकें। और यदि ये उपाय आप शाम के समय कर रहे हैं तो फिर
आपने अगले दिन इन पतासों को उठाना है और इन छोटी छोटी जो चींटियां हैं इनके रास्ते में आपने रख देना है। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी होने का मुख्य कारण क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। शादी के अलावा कोई भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो भी आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट भी करना और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।